हो चुका है और बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। जो घर घर में हर सबको गैस मिला, सब कुछ सुविधा। रामयुग आ गया है, उसमें आगे जैसे लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जो लोग दर दर भटक रहे हैं उन लोग को जॉब मिलने का है, वो सब कम से कम होना चाहिए। लेकिन बदलाव जरूरी होता है, अगर अगर इस तरह नहीं रहता तो आज सब जगह राजा का ही राज रहता है। पसंद है, पसंद है। आपको लग रहा है काम हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है। चलिए, अच्छा आपका नाम क्या है? पंकज कुमार गुप्ता। पंकज जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है कि केंद्र में किसकी सरकार होनी चाहिए, और आपको लग रहा है एनडीए गठबंधन हो या फिर मोदी? मोदी जी का सरकार होना चाहिए। मोदी जी का, ऐसा क्यों? देश के लिए अच्छा काम किए हैं, अभी जैसे आप देख सकते हैं राम मंदिर वगैरह बनवाए हैं, तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। आपकी वेशभूषा देख के हम समझ गए थे कि राम मंदिर के बारे में आप जरूर बोलेंगे। बिल्कुल, तो राम मंदिर एक मुद्दा होने वाला है। हाँ, राम मंदिर है, और अभी मथुरा भी अभी बनने वाली है। हाँ। मथुरा भी सजेगी अभी। मथुरा अभी है, मथुरा काशी, अरे वाह भाई, सब मोदी जी तो बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। मोदी जी आएंगे ही आएंगे, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। सर क्या नाम है आपका? रामनाथ साहू। रामनाथ साहू जी, आपको क्या लग रहा है इस बार? खड़े हो जाइए एक सेकंड सर, क्या लग रहा है आपको इस बार कि केंद्र में कि सरकार बदलेगी या फिर जो चल रहा है वो ठीक है? नहीं सर, जो चल रहा है वही सही है। जो चल रहा है ठीक है, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसे चलते और क्या। हाँ, हो रहा है ऐसा, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो चल रहा है वही सही चल रहा है। अच्छा, जो चल तो सही चलना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है। आपको क्या लग रहा है कि देश में भी और चीज होनी चाहिए और नहीं हो रही है? हाँ, कुछ चीज तो है जो कि नहीं हो रहा है, वो भी पूरा होगा। जैसे अब सर देखिए, अभी तो अब रामयुग आ गया है, उसमें आगे जैसे लोग को नौकरी नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जो लोग दर दर भटक रहे हैं उन लोग को जॉब मिलने का है, वो सब कम से कम होना चाहिए। मतलब जो रोजगार मिलना चाहिए भाई, देखिए रोजगार की बात बहुत लोग करते हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो व्यवसाय हैं, छोटे जो व्यवसाय हैं, वर्ग के लोग हैं, वो जो है उनकी जो प्रतिक्रिया है बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो जो कुछ बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं, ये भी समझना होगा यहाँ पर। और भी कुछ लोग हैं, आपका नाम? पूनम कुमारी। पूनम जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, आप चुनाव में वोट करने जाएंगी, इस बार क्या लग रहा है, मोदी जी पसंद है या फिर कुछ बदलाव चाहती है? पसंद है। पसंद है। आपको लग रहा है काम हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है। चलिए, क्या नाम है आपका? कमेंट नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा शर्मा जाते हैं, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे यहाँ पर आए हुए मार्केट में खरीदारी कर रहे हुए। मैडम आपका नाम? चलिए कोई नहीं, और भी है एक भैया यहाँ पर है। ठीक है, नहीं आप बताइए ना, आप बताइए आपका नाम बताइए, चचा से तो हो जाएगी बात। आप बताइए क्या नाम है? मुकेश कुमार केसरी नाम है। मुकेश कुमार केसरी जी, मुकेश कुमार केसरी जी, क्या लग रहा है, मामला टाइट है या फिर बदलाव होना चाहिए? नहीं, मामला तो ठीक है, ठीक है, बदलाव क्या होगा, मोदी जी आएंगे। अरे मोदी जी आएंगे, सबका एक ही, क्या सब बीजेपी के तो नहीं है? नहीं नहीं, मोदी जी आएंगे, वही जो काम करेगा अच्छा उसी को लाना है। अच्छा, लेकिन इस जो विपक्षी पार्टी कह रहे हो तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, और जो नाराजगी बहुत है लोगों में, क्या क्या बोलने वाला, क्या हर तरह के बोल सकता है, कुछ क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा, आदमी जनता यहाँ देख रहा है, जनता देख रहा है किसको देना है नहीं देना, वो तो जनता के वैल्यू है। हाँ, चलिए और भी है एक महिला है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? आप वोट करने तो जाएंगे है ना, क्या आपका नाम क्या है? कोई बात नहीं, आपकी हंसी अच्छी, आप बताइए तो क्या आप क्या सोचती हैं, आप लोग लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग वोट करने जाएंगे, महिला है सबसे बड़ी चीज, एक महिला है, एक गृहिणी है, आप लोग का वोट बड़ा मायने रखता है। क्या नाम है आपका? निशा। निशा जी, निशा जी क्या लग रहा है इस बार केंद्र के अंदर, आपको मोदी सरकार ठीक लग रही है या फिर बदलाव चाहती है? मोदी को ही आना चाहिए, मोदी जी को ही आना चाहिए। वाह भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब उनके आने पे हर चीज लागू हो चुका है। हाँ। और बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। अच्छा। जो घर घर में हर
सबको गैस मिला, सब कुछ सुविधा। क्या बात, क्या आप भी लिए फायदा? बस बस हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, जो जो कई लोग हैं जो कह रहे हैं, अभी उज्ज्वला योजना की बात की, एक महिला थी उन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की और उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी गैस दे रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा है। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाह रहे हैं। वेंडर मार्केट में हम हैं, राजधानी रांची के। क्या नाम है? सूरज कुमार। सूरज, सूरज ये बताओ इस बार क्या लग रहा है, बदलाव चाहते हो या फिर जो चल रहा है ठीक चल रहा है? बदलाव तो आना चाहिए। क्या बदलाव आना, केंद्र में किसको देखना चाह रहे हो तुम कुर्सी पर? मैं तो मोदी जी को देखना चाहता हूँ। अरे मोदी जी को देखोगे तो बदलाव कैसे होगा, गुस्सा आ जाएंगे फिर तो। मोदी जी भी बहुत बदलाव किए इस बार, हाईवे वगैरह बहुत सारा ये सब हो रहा है। हाईवे वे बनवाए हैं, गाड़ी वाड़ी चलाते हो? हाँ, आराम से चलाते हो ना? आराम ही चलाता हूँ। हाईवे बन गया तो ये नहीं कि तुम उड़ा दो 180 की स्पीड, ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं मतलब 60 या 70 नॉर्मली स्पीड चला, उससे भी कम चलाओ तो ज्यादा बेहतर है। जैसे अच्छा ये बताओ कि हाईवे तुमने देखा और क्या लग रहा है कि हुआ है, विकास हुआ है? मतलब बहुत सारा, कहीं ये एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं डिजिटल बन रहा है, बहुत सारा चीज बन रहा है। मतलब जैसे अच्छा एयरपोर्ट भी बन रहा है, ये सब भी एक एक देखिए यही है कि जो युवा है, युवा हर एक चीज समझते हैं, हर एक चीज टीवी को देखते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या कौन क्या कर रहा है। आप चाहे जितना भी राग फेंकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि युवा और जो पब्लिक है कहते हैं वो सब जानती है। और भी कुछ लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम तो राजू है। अरे वाह, हम बिहार से आए हुए हैं। अरे क्या हुआ, बात है, वोट तो बिहार में भी है। अरे आपकी हंसी बड़ी खूबसूरत है राजू जी, मजा आ गया। अच्छा राजू जी ये बताइए कि इस बार क्या आप लोग क्या देखकर वोट करेंगे, लोकसभा चुनाव में बदलाव चाहिए या फिर आपको जो सब कुछ ठीक लग रहा है? देखिए बदलाव के तो कोई चांस है नहीं, चूंकि चूंकि मोदी को छोड़ के और कोई है नहीं। हाँ सिर्फ क्योंकि विपक्ष में कोई है नहीं नेता, जिसके चलते ही हम लोग मोदी को ही मान कर चल रहे हैं बस। अच्छा विपक्ष में ऐसा कोई चेहरा नहीं दिख रहा? हाँ बताइए ना हमको, बताइए, सब तो उसी तरह के लोग हैं जो झूठी तसल्ली देके रखते हैं। अच्छा एक चीज है, लेकिन फिर तो राहुल गांधी जी नाराज हो जाएंगे, ममता जी नाराज हो जाएंगे, या अखिलेश यादव नाराज हो जाएंगे, कहेंगे देखो जी इनको हम चेहरा ही नहीं दिख रहे। राहुल गांधी भी तो किशनगंज आए थे, कहाँ उस तरह का माहौल था बना रहा, सिर्फ वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं लेकिन कोई डेवलपमेंट काम नहीं होता है, माहौल नहीं बना ना बना पाता है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, आप कुछ भी कीजिए माहौल बनाना चाहिए, माहौल एकदम टाइट रहेगा तभी मामला टाइट रहेगा। माहौल टाइट, मामला टाइट। तो अभी जो और आप देखिए, आप इस चीज को देखिए कि जो बीजेपी की तरफ से तमाम तरह की रैली की जा रही है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन ये समझ ही नहीं पा रहा कि वो रैली करे कि ना करे, वो अभी तक रैली भी नहीं की जा रही उनकी तरफ से, चुनावी प्रचार उस तरह से नहीं किया जा रहा। भले प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए लोग जा रहे हैं, लेकिन जो एक चुनावी प्रचार होना चाहिए वो चुनावी प्रचार भी नहीं हो रहा है। और जो व्यापारी वर्ग है इनसे बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम है? मेरा मंजू प्रसाद नाम है। क्या नाम? मंजू प्रसाद। मंजू प्रसाद, अच्छा मंजू प्रसाद जी ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या फिर केंद्र में कि मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? बदलाव होना चाहिए, मोदी आना चाहिए। मोदी आना चाहिए, तो फिर बदलाव कैसे होगा? मोदी आना चाहिए और बलदे का अभी आगे चल के मोदी ही सब कुछ करेंगे। क्यों? क्यों काकी, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। हाँ अभी अभी देश आगे बढ़ रहा है। अच्छा और लोग आएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मोदी रहेगा तो बढ़ेगा देश, और घट जाएगा अगर मोदी नहीं आएगा तो घट जाएगा देश। अरे बाप रे बाप, बड़ी बात कह रहे हैं कि मोदी को आना चाहिए, नहीं आएंगे तो फिर देश और घट जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे उनकी राय, उनसे उनकी प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक मार्केट है, मार्केट के अंदर देखिए अब धीरे धीरे जो लोग दुकानदार हैं अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। भाई साहब आपका नाम? राजेश कुमार वर्णवाल। राजेश जी ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए या फिर जो चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है? सब ठीक भैया, सब बढ़िया, सब ठीक चल रहा है, सब कुछ कह रहे हैं राजेश जी ठीक चल रहा है। और भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। सर आपका नाम? सुरेश दास। सुरेश जी इस बार बताइए, लोकसभा चुनाव को आप देख रहे हैं बड़े करीब से, आपने कई चुनाव देखे होंगे, आपको क्या लग रहा है इस बार कि इस बार बदलाव होना चाहिए केंद्र में या फिर नहीं होना चाहिए, या फिर जो मतलब आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आना चाहिए? सर ये तो चुनाव है, अब पब्लिक के ऊपर में है,
किस तरह से किसको वोट देगा, ये हम कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, आपको क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप किसी को वोट दीजिए, आपकी इच्छा है। आप चाह रहे हैं कि केंद्र के अंदर जो सरकार है वो काम अच्छा कर रही है, या फिर आपको लग रहा है नहीं ऐसे में बदलाव? तो देखिए सर, कितनों ही अच्छा काम करे लेकिन बदलाव जरूरी होता है। अगर अगर इस तरह नहीं रहता तो आज सब जगह राजा का ही राज रहता, तो राजा का राज खत्म हो गया, प्रजातंत्र हुआ। तो एक ही आदमी अगर 20 साल 25 साल रहेगा तो और सब आदमी को मौका नहीं मिलेगा, सभी को मौका मिलना चाहिए ना, मतलब सबको मौका मिलना चाहिए बारी बारी से, और बदलाव होना चाहिए। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क, गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, ट्रैम्पोलाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में।